देश का पहला युवा बेरोजगार महासम्मेलन जयपुर में 7 जून को आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन के माध्यम से बेरोजगारी, रोजगार, पेपर लीक जैसे मुद्दों को उठाया जाएगा। इस महासम्मेलन में केंद्र सरकार से जुड़े बीजेपी के नेता और राज्य सरकार से जुड़े कांग्रेस के नेता शामिल होंगे। बड़ी संख्या में युवा बेरोजगार शामिल होंगे। राज्य सरकार के सामने मांग उठाई जाएगी 1 लाख प्रक्रिया दिन भर्ती को आचार संहिता से पहले पूरी की जाए। हाल ही बजट में घोषणा की गई 1 लाख भर्तियों का विभाग वाइज वर्गीकरण करके और उनकी विज्ञप्ति जारी की जाए। लाखों बेरोजगार इंतजार कर रहे हैं घोषणा के बाद, अभी तक उनकी विज्ञप्तियां नहीं जारी हुई है और न ही उनका वर्गीकरण हो पाया है। साथ में इस बार जो चुनाव हो वो जाति धर्म के आधार पर नहीं हो, रोजगार, नौकरी, पेपर लीक जैसे मुद्दों पर हो, भर्ती परीक्षाएं पारदर्शिता के साथ हो। ये अनोखा और एक महत्वपूर्ण युवा बेरोजगार महासम्मेलन होगा जिसमें हजारों युवा बेरोजगार शामिल होंगे और साथ में ऐलान करेंगे कि इस बार चुनाव में युवाओं की सबसे बड़ी अहम भूमिका रहेगी। यानी कि कुल मिलाकर 7 जून को होने वाला युवा बेरोजगार महासम्मेलन एक युवाओं का शक्ति प्रदर्शन है, युवाओं का वो महत्व स्थापित करने वाला युवा बेरोजगार महासम्मेलन है और साथ में राजनीतिक पार्टियों को ये दर्शाने वाला युवा बेरोजगार महासम्मेलन होगा कि युवा केवल वोट ही नहीं, युवा जीत की चाबी रखने वाला युवा है। इसलिए रोजगार देना प्राथमिकता लेनी चाहिए हर राजनीतिक पार्टी की। केंद्र सरकार की भर्तियां पूरी करे, राज्य सरकार की भर्तियां पूरी करे और आने वाला चुनाव युवा बेरोजगार पर केंद्रित हो। साथ में जो 1 लाख प्रत्याधीन भर्तियां हो और जो 1 लाख भर्तियों की जो विज्ञप्तियां जारी होने वो प्राथमिकता के साथ पूरी हो। उपेन्द्र यादव, राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ।